सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह का बड़ा आरोप, कहा बेल्ट से गला घोंटकर की गई हत्या। नीरज सिंह ने सुशांत केस में फौरन सीबीआई जांच शुरू करने की मांग की, कहा खुद से सामने आने वाले गवाहों को धमकाया जा रहा है। जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। नीरज सिंह ने किया सवाल, बहन या पुलिस के पहुंचने से पहले पंखे से क्यों उतारा गया सुशांत का शव। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में नीरज का नया आरोप, कहा सवाल किया सवाल, पोस्टमार्टम के लिए ले जाते वक्त दो एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया गया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में चार शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, कल बारामूला में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। बारामूला में दो आतंकवादी भी ढेर, मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में चार शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, कल बारामूला में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। बारामूला में दो आतंकवादी भी ढेर, मुठभेड़ में लश्कर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया था हमला, AK-47 राइफल और दो पिस्टल बरामद। बारामूला में अभी भी जारी है आतंकवादियों से मुठभेड़, सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी जुल्फिकार हसन ने कहा जो भी हम पर गोली चलाएगा वो मारा जाएगा। थे ऐसे बहुत आए हैं, बहुत चले गए, तो जो भी हम लोग गोली चलाएगा वो तो मारा ही जाएगा। बारामूला में आतंकी हमले को लेकर बीजेपी ने पाकिस्तान पर किया वार, कहा कभी नहीं सुधरेगा पड़ोसी मुल्क। व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों की मजबूती का दिया संदेश, कहा ट्रंप भारत से संबंध में पूर्व राष्ट्रपतियों की तरह पूर्वाग्रह ग्रस्त नहीं थे। व्हाइट हाउस ने कहा अमेरिका जारी रखेगा भारत से मजबूत रिश्तों की कड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली कूटनीतिक सफलता, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल सप्लाई रोकी। सऊदी अरब से तलखी दूर करने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भागे भागे पहुंचे सऊदी अरब। टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर की मुलाकात पर छिड़ा दंगल, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस ने हंगामे को बताया फिजूल, बीजेपी और वीएचपी नेता हुए हमलावर। चीन में भारी बारिश के बाद सैलाब से तबाही, तेज बहाव में ढहा समूचा पुल, किसी तिनके की तरह लहरों पे तैर चला। बेहद खौफनाक दिखा चीन में भूस्खलन और सैलाब से आई तबाही का मंजर, सुनामी की दिलाई याद। चीन के सिचुआन में सैलाब का कहर, 10,000 से ज्यादा लोगों पर संकट, रेस्क्यू मिशन जारी। सैलाब से सिचुआन का बुरा हाल, रूफ तक पानी में डूबी कार। तेलंगाना के भद्रादी में टूटा सैलाब का कहर, गोदावरी अभी भी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर। धार में बही बाइक, बाल बाल बचे तीनों सवार। चमोली में भारी बारिश से दरका पहाड़, सड़कों पर आया मलबा। चमोली में फ्लैश फ्लड में बहा पुल, बल्लियों पर चलकर नदी पार कर रहे हैं लोग। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में भारी बारिश से भूस्खलन, हाईवे पर आया पहाड़ों से मलबा, घंटों बंद रही सड़कें। भारी बारिश से पानी पानी जबलपुर, पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। गुजरात के कच्छ में कुछ घंटों की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी मुश्किलें। गुजरात के भरूच में जोरदार बारिश, दो बांध ओवरफ्लो होने से 11 गांव में अलर्ट। जूनागढ़ में भी जमकर बरसे बादल, लबालब हुए दो बांधों के गेट खुले, करीब 20 गांवों का संपर्क कटा। जयपुर में शुक्रवार को ही भारी बारिश के बाद अब कीचड़ से आफत, बस्तियों बाजारों और घरों के अंदर भी जमा हुई मिट्टी। राजस्थान के सीकर में दो दिन की बारिश से आफत, रेलवे स्टेशन के अंडरपास में फंसी कार ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला। विजयवाड़ा में दहला देने वाली वारदात, एक शख्स ने दो लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की, पेट्रोल छिड़क कर कार में लगाई आग। लेन देन के विवाद में बिजनेस पार्टनर पर आग लगाने का है आरोप, कार में सवार दो लोग बुरी तरह झुलसे। मथुरा में मुठभेड़ के दौरान दो बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, कल टूटी गई
91 किलो चांदी बरामद। मुरादाबाद में आरएसएस वर्कर के साथ पुलिस की बदसलूकी, नाराज बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। शास्त्रीय गायन की पद्म विभूषण पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में न्यूजर्सी में निधन, श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रशंसक। मुंबई में बुधवार या गुरुवार को होगा पंडित जसराज का अंतिम संस्कार, अमेरिका के न्यूजर्सी से मुंबई लाया जा रहा है पार्थिव शरीर। 30 अगस्त को एक बार फिर पीएम मोदी करेंगे देशवासियों से मन की बात, मांगे सुझाव, कहा संदेश रिकॉर्ड करके भी दे हमें सलाह। अयोध्या में मस्जिद के लिए अलॉट की गई जमीन को कब्जे में ले रहा है सुन्नी वक्फ बोर्ड, मेड़बंदी का काम होगा शुरू। 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ बनेगा अस्पताल और रिसर्च सेंटर, सुहावल तहसील के धनीपुर गांव में मिली है जमीन। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा केस बढ़े। देश में कोरोना से 24 घंटे में गई 876 लोगों की जान। 24 घंटे में कोरोना से करीब 58,000 लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में कोरोना के कुल केस 27 लाख से ज्यादा, इनमें 6,73,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिसार में लाखों की ठगी के केस में एक कंपनी के एमडी को किया गिरफ्तार, 5 अन्य आरोपियों पर केस दर्ज, 20 दिन में पैसे दोगुना करने का देते थे झांसा।